विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि थानेसर शहर के लोगों को अब सस्ती दरों पर रसोई गैस मिल पाएगी। इससे रसोई के बजट में काफी कटौती होगी। इस शहर में घरेलू गैस पाइपलाइन से लोगों को रसोई की गैस मिलनी शुरू हो गई है। इस शहर के 4,144 घरों में लोगों को जल्द ही घरेलू गैस पाइपलाइन से रसोई की गैस मिल पाएगी। अहम पहलू यह है कि अब तक 5,353 लोगों ने घरेलू गैस पाइपलाइन के लिए अपना पंजीकरण करवाया है। विधायक सुभाष सुधा आज HP ऑयल गैस प्राइवेट लिमिटेड के ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के पीछे स्थानीय गैस प्लांट का उद्घाटन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा HP ऑयल गैस प्राइवेट लिमिटेड से JN दास, मार्केटिंग हेड अजय, प्रोजेक्ट के चीफ मैनेजर राजबीर, सहायक मैनेजर साहिल, पार्षद मुकुंद लाल, पार्षद विशाल शर्मा, पार्षद मोहनलाल अरोड़ा ने विधिवत रूप से रिबन काटकर ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के पीछे कंपनी के स्थानीय गैस प्लांट का उद्घाटन किया। इसके उपरांत विधायक सुभाष सुधा ने हरिनगर कॉलोनी में कुरुक्षेत्र जिले के पहले घरेलू गैस पाइपलाइन कनेक्शन का RR चैपा के निवास पर गैस चूल्हा जलाकर शुभारंभ किया। इसके उपरांत हरिनगर में RS श्रेणी में गुरमीत कौर की रसोई गैस तथा सेक्टर 7 में मकान नंबर 400 में HG शर्मा व मकान नंबर 393 में SK छाबड़ा की रसोई में गैस चूल्हा को जलाकर शहर के लोगों को घरेलू पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। विधायक ने शहरवासियों को घरेलू गैस पाइपलाइन शुरू होने पर बधाई देते हुए कहा कि HP ऑयल गैस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास अब तक 5,353 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। इसमें से 4,498 का LMC का कार्य पूरा हुआ है और 4,144 घरों में सिर्फ सप्लाई देना ही शेष है, बाकी सब कार्य पूरा हो चुका है। पिछले 2 सालों से इस योजना को अमली जमा पहनाने का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान काफी दिक्कतें और परेशानियां भी सामने आई। अब इस कंपनी के गैस प्लांट का शुभारंभ कर दिया है और ट्रायल के तौर पर 4 घरों में गैस कनेक्शन शुरू किया गया है। इस घरेलू गैस पाइपलाइन की सप्लाई पटियाला से शुरू हो गई है और थानेसर में हरिनगर और सेक्टर 7 में धीरे धीरे रोजाना गैस की सप्लाई का काम शुरू किया जाएगा। इस कंपनी के अधिकारियों से मिली फीडबैक के अनुसार पूरे कुरुक्षेत्र में पाइपलाइन से गैस की सप्लाई देने का काम पूरा हो जाएगा। विधायक ने सेक्टर 7 में आयोजित कार्यक्रम में लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ रहा है, इसलिए लोग खुद अपनी सुरक्षा करें और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग कोरोना की वैक्सीन भी जरूर लें। इस सरकार के कार्यकाल में लोगों के सुझावों पर अमल करके विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इस सरकार ने 6 सालों में पिछले सरकारों के 50 सालों के कार्यकाल से भी ज्यादा विकास कार्य करवाए हैं। जहां पिछली सरकार ने 100 फुट पाइपलाइन नहीं लगा, अब प्रत्येक कॉलोनी में सीवरेज, पीने के पानी सहित तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। थानेसर में 2 STP, आयुष यूनिवर्सिटी, राजकीय महिला कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सेक्टरों में ब्लॉक से गलियां बनाना, बिजली के ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाना, पीने के पानी के लिए नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की योजना, वेलोड्रम की योजना, 100 बेड का नया अस्पताल बनाने, हर 600 मीटर पर एक सफाई कर्मचारी नियुक्त करने, एलिवेटेड ट्रैक का कार्य शुरू करने सहित अनेक परियोजनाओं को पूर्ण करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र बाईपास योजना को अमली जामा पहनाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी केंद्र से मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, KUK में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 220 करोड़ दिलाने और वेतन भोगियों को 15 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री से मिलकर उपलब्ध करवाई है। पीपली से 3rd गेट तक की सड़क को भी तेजी से पूरा करवाने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में पार्षद मोहनलाल अरोड़ा ने मेहमानों का स्वागत किया और समाज सेवी TR बिबियान ने अपने विचार रखे। इस मौके पर पार्षद दीपक सिडाना, सुनील, प्रदीप सैनी, धन सिंह गांधी, सुरेश सैनी, कुकू नायब सिंह, अमित चंद, जसविंदर, प्रीतम सिंह, हरगोपाल शर्मा, महेंद्र मेहता, राम कुमार वर्मा, भारत भूषण शर्मा, एस सुधा, जोगिंदर, नारायण दत्त शर्मा, गुरविंदर सिंह, ज्वेल सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले क्षेत्रा में गैस पाइपलाइन का बिछाने का कार्य किया था और वो आज हमारा क्षेत्र वालों का सौभाग्य है जो हमें आज ट्रायल बेसिस पे हम हरिनगर में और सेक्टर 7 में लगभग 11 यूनिट वहाँ पर, हाँ जी, सेक्टर 7 में और 10 यूनिट 21 यूनिट के लिए आज यहाँ से हम यहाँ से दे रहे हैं एक ट्रायल बेसिस पे। और उसके बाद ये होगा कि उसके बाद पूरा सेक्टर को हम देंगे, 1-1 सेक्टर 7 को, 13 को अब लाइन बिछा दी मेन उन्होंने। अभी ये मेन जो इनकी गैस है वो प्रॉपर वैसे पटियाला से है, उसकी लाइन को बिछाने का कार्य चल रहा है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।